अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ गालिब हुसैन और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आज हम आए हैं बाईसी के बड़े गांव सिरोली में, जहाँ पर कुछ लोगों की समस्याएं हैं और वो अपने समस्याओं का समाधान यहाँ रखना चाहते हैं। और उन लोगों का कहना है परेशानी कहा, यही परेशानी है, घर पति तो बीमार पड़े हैं मच्छर गंदगी की वजह से। और कहा दिखान जगह ना है, स्थान में से हुए पड़े हैं, कैसे तो उनमें भी ना रहा जंगल में। अच्छा, आपने सुना एक बुजुर्ग ने किस तरह अपनी परेशानी जाहिर की है, किस तरह हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हैं, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं अपनी परेशानी जी। हमारे हिंद एक तो ये चूहड़ा है झाड़ल नहा जी। अच्छा। कोई भी और कितनी कह लिया है अड़िया है ही नहीं छोड़ जावे। अच्छा, आवे ना आप उठावे हैं और हम झाड़े खुद। अच्छा। कोई नहा ही झाड़न लू आप कभी उनके पास। अच्छा। कोई भी और कितनी कह लिया है अड़िया है ही नहीं छोड़ जावे। अच्छा, आवे ना आप उठावे हैं और हम झाड़े खुद। अच्छा। कोई नहा ही झाड़न लू आप कभी उनके पास गए हैं, आपने उनके पास जाकर कही है तो उनका क्या वो निकलता है, क्या कहते हैं वो आपसे? वह कहते हैं आ रहे हैं आते नहीं है, दो दो तीन महीने हो जाते हैं। अच्छा। और फिर यहाँ से जैसे हम लगा रखे हैं वह, और फिर जाके नहीं कोई चिड़ाई करता है, कोई कुछ करता है, अपना अलग कारोबार करते हैं, लेकिन वो सामना करना पड़ रहा है। गंदगी फैली हुई है यहाँ पर, लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर गंदगी फैलने की वजह से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाएगी और यहाँ पर बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा। ऐसे में इतनी दिक्कत, इन बुज़ुर्ग भी निकलते हैं यहाँ से, औरतें भी जाती हैं जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि कींच में रिपटने से गिर जाते हैं, किसी के पैर में चोट आ जाती है, पर एक्शन नहीं उठा रही है। आइए अब हम आपको इसी रास्ते की कुछ एक और तस्वीर दिखाते हैं। और इन रास्तों के बारे में क्या राय है गवर्नमेंट टीचर की, तो सर बताइए। अभी ये जब से भी ये सरपंच बना है 4 साल हो गए, जब से कोई यहाँ पर कोई सफाई कर्मचारी नहीं आया साफ करने के लिए, ना ही गलियों का जो ये आप इसको देख रहे हो आलम, क्या आलम है, कोई सफाई नहीं है, कोई गली नहीं बनी। ये तो पिछला जो सरपंच था उसी के टाइम की बनी हुई है। हाँ, लोगों का कहना है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो सरपंच के घर के आसपास ही सफाई करते हैं, बल्कि और पूरे गांव को छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस गांव में?